कुछ लोग बोलते हैं कि बिग बॉस 17 की ट्रॉफी जो है वो बाबू भैया के नाम लगने वाली है। बाबू भैया ट्रॉफी लेके जाएगा, बाबू भैया ऐसा, बाबू भैया वैसा। मैं बताऊं बाबू भैया कैसा है? मुझे तो भाई अभी हंसी आ गई। इसने ना जब से ये घर में आया है ना, तब से तो इसने डिवाइड करने की कोशिश की है कि ये वो ऐसा डिवाइड करेंगे वैसा डिवाइड करेंगे, और खुद मतलब कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि सब लोग ना इसके कंट्रोल में आ जाए। भाई इसमें वो पावर तो है नहीं, लीडरशिप क्वालिटी तो है नहीं कि सब लोग इसके पीछे 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 चले जाएंगे, वो चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ है तो बताना भाई आपको कैसे लगता है कमेंट बॉक्स में। फिर अगर आपको लगता तो भाई आपका तो लीडर ऐसा ही होगा, सही बात है, हमारे तो लीडर बहुत लीडर वाली लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब ये अभी बोल रहा है तहलका को, हैदराबादी को, सना को कि देखो अभी ना हमें ना ऐसा मुट्ठी के जैसा रहना पड़ेगा, जुट होना पड़ेगा, दम में हमें ये रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो वहां पे तहलका बोल रहा हाँ हम बैठेंगे तो साथ में, उठेंगे तो साथ में, मतलब इससे चिपक के ही रहना। पर यहाँ पर सना का कहना ये है कि दूसरे लोगों का तो पता नहीं, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, पर तो तेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि तू क्या करेगा। तो जहाँ पर तहलका भी बोलता है कि हाँ भाई सब लोगों को लग रहा है कि तू विक्की और खानजादी के साथ ज्यादा है, तो तेरे ऊपर ट्रस्ट कैसे करे। तो ये बंदा बोल रहा है कि सब ट्रस्ट करके बैठो, अभी इसी की टीम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है क्योंकि इसने ट्रस्ट बनाया नहीं है। तो ये बंदा एक्चुअली में बिग बॉस 17 का विनर बनेगा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। इसको लगता है कि यूट्यूबर्स जो है, सब यूट्यूबर्स इसी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पिछले OTT सीजन 2 में जो है यूट्यूबर्स ने यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि भाई वो सपोर्ट के काबिल भी थे, वो सही थे लोग। अभी कोई भी ऐरा गैरा यूट्यूबर उठ के आ जाएगा क्या उसको सपोर्ट करने के लिए लग जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई एक दो तीन यूट्यूबर्स रहेंगे जो कि बाबू भैया को सपोर्ट कर रहे होंगे। अदरवाइज तो यार ऑलमोस्ट जो है बाबू भैया को कोई यूट्यूबर सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं तो नहीं करती। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।